नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डायरी। बाला जी मंदर ट्रस्ट दा 11 करोड़ रुपया जिहड़ा बैंक दे विच जमा करवाया सी उस दा घफला हो जाण ते उस नाल फ्राड हो जाण ते उस दियां तारां हुण राजस्थान तों फरीदकोट ज़िले नाल जुड़ियां ते इस नूं लै के CBI ने फरीदकोट दे जैतो विखे 5 थावां ते 5 घरां विच 5 व्यक्तियां ते इक्को वेले छापेमारी की ते 5 घंटे की पुछगिछ तो बाद कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे दे नाल। जानकारी दे अनुसार बाला जी ट्रस्ट मेहंदीपुर की जड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच आ उस दे विच ट्रस्ट वल्लों 13 करोड़ रुपए तो वध दे सिक्के जिहड़े श्रद्धालुआं ने टेके सी मंदिर दे विच उह जमा करवाए गए सी ते उस तो बाद जदों हुण 5 साल पहला एक नवे मैनेजर ने चार्ज लिया जिहड़े उत्थे सिक्के रखे सी तां उसनू शक पैण ते उसने गिणती करवाई। बैंक ने बकायदा टेंडर दे के गिणती करवाई तां उह 13 करोड़ की बजाए लगभग 1 करोड़ 40 लख के करीब निकले जिद विचों उन्होंने 11 करोड़ रुपए का घपला साफ दिखाई दिता। इस तो बाद इस बैंक ने पुलिस की मदद के नाल अदालत दे विच चाराजोई की थी ते अदालत ने यह केस CBI हवाले कर दिता। CBI ने इस मामले के विच FIR दर्ज की ते सारी पड़ताल शुरू कर दी है। इस तहत CBI नूं शक पिया सी कि उन्हां दिनां दे विच जिहड़ियां ट्रांजैक्शन होईयां बैंक विचों पैसे गए आ वह IPL ते शेयर बाजार दे विच लगे आ ते कई ट्रांजैक्शन फरीदकोट जिले के जैतो विखे इन्हां व्यक्तियां दे नां ते इह 5 व्यक्तियां दे नां ते ट्रांजैक्शन होईयां जिन्हां ते पुलिस ने रेड की जिन्हां दे रिकॉर्ड नूं पुलिस नाल लैके गई है डाकूमेंट नाल लैके गई है ते घोख की जा रही है। की है यह सारा मामला, आओ इस बारे होर जानकारी लैने आ सीनियर पत्रकार ते एडवोकेट जसवंत जस तो। CBI की एक हाई प्रोफाइल टीम ने कल देर शाम फरीदकोट जिले की जी सब डिविजन जैतो आ उत्थे रेड की हैगी है और उत्थे 5 बंदे जिहड़े हैगे आ उत्थे वसनीक हैगे आ उन्हां दे घरां च रेड करके कागज पत्तर जिहड़े हैगे कब्जे च लए आ और इस तों इलावा उन्हां दे बैंक खाते वगैरह हैगे आ और रिकॉर्ड भी जिहड़ा हासिल किया गया और इहदे हुण इह पता लगा हैगा कि एक बाला जी ट्रस्ट हैगा मेहंदीपुर इलाका राजस्थान दे विच उह एक धार्मिक ट्रस्ट आ मंदिर वगैरह उत्थे जिहड़े बने हुए आ उत्थे जिहड़े सिक्के मतलब मत्था टेके जांदे सी ते उह बाद च ट्रस्ट उहनां सिक्कियां नूं बैंक जी मेहंदीपुर शाखा हैगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो जमा करवाउंदा सी और ट्रस्ट ने उत्थे कोई 13 करोड़ के करीब जिहड़े सिक्के जमा करवाए सी ते अचानक जदों इत्थे एक बैंक ऑफिसर मेहंदीपुर नवां बदल के आया तो जदों वो चार्ज लैन लगा तो उन्हें उस सिक्कियां की गिनती करनी चाहिए जिहदी पहला पिछले लंबे समय तो गिनती नहीं हो रही सी तो जदों गिनती की तो पता लगा कि उत्थे जिहड़े हैगे आ सिर्फ 1 करोड़ 65 लख के सिक्के हैगे आ ते लगभग मतलब जिहड़े 11 करोड़ के सिक्के सी जिहड़े ओ ब्रांच दे विचों गैप सी। पहला तां इह पता लगा कि बैंक अधिकारियां ने उस मतलब उहदी गिनती नहीं होण दित्ती हैगी सिक्कियां दी ते वैसे मतलब काम वी चलाउंदे रहे पर जिहड़ा बैंक ऑफिसर सी जिहड़ा इहदे च कि फिर उह बाद च मतलब हाई कोर्ट ने जयपुर इह बार रिट फाइल कीती कि जिहड़े सिक्के पए आ इहनां दी मतलब बकायदा तौर ते गिनती करवाई जावे पड़ताल करवाई जावे। उस तों बाद जिहड़ी बैंक कमेटी हैगी उहनां ने मतलब एक प्राइवेट कंपनी नूं टेंडर दित्ता सी सिक्के गिन के रिपोर्ट देण बारे और जो उस प्राइवेट कंपनी ने आपकी रिपोर्ट पेश की उस कहा कि 13 करोड़ की थान पर बैंक के सिर्फ जो है 1 करोड़ 65 लख 200 कुछ जो है दे ही उ सिक्के पे बाकी सिक्के गायब आ। बाद जयपुर हाई कोर्ट के बैंच ने जोड़ा ये केस आ CBI को देता से और CBI ने ये जरा केस दर्ज कर लिया और हुण ये CBI ने कोई खुलासा किया है जिंद तक पुष्टि नहीं हो सकी वो ये है कि जिहड़ा पैसा ट्रस्ट का जिहड़ा 11 करोड़ रुपया उत्थों गायब होया बैंक दे विचों असल दे विच वह पैसा जिहड़ा हैगा शायद IPL जां जिहड़ी मतलब शेयर मार्केट दे विच लगा हैगा ते उत्थों जदों ये मतलब पैसा लगा तो उन्हां दिनां च उस इलाके चों जां उन्हां ब्रांचां चों पैसे जिहड़े जैतो दे 5 बंदे हैगे आ उन्हां दे खातिआं विच ट्रांसफर होए आ और इस गल दी पुष्टि करन लई बैंक ने उन्हां 5 व्यक्तियां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਵੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਵੇਖੋ ਸਰ, ਟੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਤੋ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। एक बार तुहानूं बेनती कर देवां कि अगर तुसीं साडे चैनल ते अज नवें हो ते हले तक साडा चैनल फॉलो नहीं कीता तां किरपा करके इसनूं फॉलो कर लो तां कि जदों भी असीं कोई वीडियो पाईए तां तुहानूं उसदा पता लग सके। साडियां खबरां, साडा तरद्दद, साडियां कोशिशां अगर तुहानूं ठीक लगदियां तां इहनां नूं अपने दोस्तां दे नाल बाकी ग्रुपां दे विच शेयर जरूर करो।